डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको नदी डेल्टा या रिवर डेल्टा के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने नदी के कार्य द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति, जैसे अपरदनात्मक स्थल रूप तथा निक्षेपात्मक स्थल रूप के बारे में अध्ययन किया था। नदी डेल्टा भी नदी के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि नदी डेल्टा या रिवर डेल्टा होता क्या है। तो प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में निहायत कमी के कारण नदी के मलबा का निक्षेप होने लगता है। तो जैसे ही नदी सागर या झील में गिरेगी तो उसका वेग कम हो जाएगा, और उसके वेग के कम हो जाने के कारण वो जो मलबा है वो वहाँ पर जमने लगेगा या निक्षेप उसका होने लगेगा, और एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा का नामकरण जो है ग्रीक अक्षर डेल्टा के आधार पर किया गया है, क्योंकि इसकी आकृति ग्रीक अक्षर डेल्टा से मिलती जुलती होती है, इसलिए इसको हम डेल्टा कहते हैं। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए हेरोडोट्स द्वारा किया गया है। तो ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जो डेल्टा शब्द का प्रयोग है वो किस नदी के मुहाने पर निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए हुआ है, या फिर ये जो नामकरण है उसका प्रयोग सबसे पहले किस नदी के मुहाने पर किसके द्वारा किया गया है। तो हेरोडोट्स के द्वारा ये किया गया है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, फोटो के माध्यम से नदी डेल्टा को दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से ये जो डेल्टा है वो बनता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं डेल्टा के निर्माण की आवश्यक दशाएं। तो जो डेल्टा का निर्माण है वो सभी जगह नहीं होता है, कुछ विशेष जगह पे डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा के निर्माण के लिए कुछ दशाओं का होना जरूरी है, जिसमें नंबर वन है डेल्टा के निक्षेप के लिए उचित स्थान का होना आवश्यक है, यानी उचित जगह का होना जरूरी है। दूसरा, नदी का आकार तथा आयतन अधिक हो तथा उसका मार्ग भी लंबा हो, ताकि वह अपने साथ अधिक मात्रा में पदार्थों को परिवहन करके अपने साथ में मुहाने तक ला सके। तो जो नदी का आकार है वो और आयतन दोनों अधिक हो, और नदी का मार्ग भी लंबा हो, ताकि अधिक से अधिक पदार्थों को वो परिवहित करके अपने मुहाने तक ला सके और डेल्टा का निर्माण हो सके। तीसरा है, मुहाने के पास नदी का वेग अत्यंत मंद होना चाहिए। यदि नदी का वेग जो है मुहाने के पास मंद नहीं होगा तो डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। जिस सागर में नदी गिरती है वहां सागरीय लहरों का वेग भी कम होना चाहिए। तो डेल्टा निर्माण के लिए चौथी दशा ये है कि जिस सागर में नदी गिरती है वहां पर लहरों का जो वेग होता है वो भी कम होना चाहिए। नंबर पांच है, मुहाने के पास ज्वार तरंगे निर्बल होनी चाहिए, ताकि निक्षेपित पदार्थ को वे लौटते समय बहा करके ना ले जाए। तो ये डेल्टा निर्माण की जो आवश्यक दशाएं हैं उसमें डेल्टा के लिए उचित स्थान भी होना चाहिए, नदी का मार्ग भी लंबा होना चाहिए, नदी का वेग जो है मुहाने के पास मंद भी होना चाहिए, और सागरीय लहरों का वेग जो होता है वो भी कम होना चाहिए, और ज्वार तरंगे जो होती हैं मुहाने के पास में उनका वेग भी जो है वो निर्बल होना चाहिए, तभी डेल्टा का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट है, सागरीय तट तथा सागरीय पेटे को स्थायी होना चाहिए, तब डेल्टा का निर्माण होगा। तो ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं जो हमने अध्ययन की हैं डेल्टा निर्माण के लिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं डेल्टा का वर्गीकरण, कि डेल्टा को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जो पहला आधार है वो है आकृति के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण। तो आकृति के अनुसार जो डेल्टा का वर्गीकरण है उसमें नंबर वन है चापाकार डेल्टा, नंबर टू है पंजाकार डेल्टा, नंबर थ्री है ज्वार नदमुखी डेल्टा, नंबर फोर्थ है रुंडित डेल्टा, और नंबर फाइव है पाली युक्त डेल्टा। ये पांच प्रकार के डेल्टा जो है वो आकृति के अनुसार है। नेक्स्ट है,
विस्तार के अनुसार डेल्टा का विभाजन, तो विस्तार के अनुसार वर्धमान डेल्टा या ग्रोविंग डेल्टा और दूसरा है अवरोधित डेल्टा। तो इस तरह से ये डेल्टा का वर्गीकरण जो है हम इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि डेल्टा को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ चापाकार डेल्टा के बारे में कि चापाकार डेल्टा जो होता है वो किस प्रकार का, चापाकार यानी चाप के आकार का जो डेल्टा होता है या धनुष के आकार का जो डेल्टा होता है वो चापाकार डेल्टा कहलाता है। इस प्रकार के डेल्टा का आकार वृत्त के चाप या धनुष के समान होता है, इसी कारण इसे धनुषाकार डेल्टा भी कहा जाता है। तो जो धनुष होता है उसका विस्तार बीच में अधिक होता है, तो उसी आकृति के आधार पर इस डेल्टा का जो विस्तार होता है वो भी मध्य में सबसे अधिक होता है और किनारों की ओर ये पतला या कम होता जाता है। चापाकार डेल्टा का जो सबसे उत्तम उदाहरण है वो नील नदी का डेल्टा है। तो जो नील नदी का डेल्टा है वो चापाकार डेल्टा है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि नील नदी का जो डेल्टा है उसका आकार कैसा है। प्रमुख चापाकार डेल्टा के अन्य उदाहरण है गंगा का डेल्टा, राइन डेल्टा, नाइजर डेल्टा, वांगो या येलो का डेल्टा, इरावदी डेल्टा, वोल्गा डेल्टा, सिंध डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा, मीकांग डेल्टा, पो डेल्टा, रोन डेल्टा और लीना डेल्टा। इन सभी डेल्टाओं के बारे में जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी का जो डेल्टा है वो किस प्रकार का है। चापाकार डेल्टा की नदियां गुफिन होती है। चापाकार डेल्टा एक प्रगतिशील यानी आगे की ओर बढ़ने वाला डेल्टा का उदाहरण भी होता है जो कि प्रतिवर्ष सागर की ओर बढ़ता जाता है, यानी ये प्रगतिशील भी है और चापाकार डेल्टा भी होता है जो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और यहाँ की जो नदियाँ होती है वो गुफिन प्रकार की नदियाँ होती है जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। यहाँ इस स्लाइड पर चापाकार डेल्टा को दिखाने का प्रयास किया गया, यानी नील नदी का जो डेल्टा है वो यहाँ दिखाया गया है कि ये किस तरह से चाप के आकार का होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बीच में डेल्टा का विस्तार अधिक है और किनारे की तरफ कम होता जाता है। यहाँ इस स्लाइड में या इस फोटो में भी यही दिखाया गया है कि साइड की तरफ इसका विस्तार कम और बीच में ये अधिक इसका विस्तार होता है। दूसरे प्रकार का डेल्टा है पंजा डेल्टा। पंजा डेल्टा का निर्माण उन बारीक कणों से होता है जो जल के साथ घोल में मिले रहते हैं तथा जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है, और इनके निर्माण के लिए नदी का वेग कुछ अधिक होना चाहिए, यानी इनके निर्माण के लिए आवश्यक दशा है कि बारीक कण होने चाहिए और इनके निर्माण के लिए नदी का वेग जो होता है वो अधिक होना चाहिए। नदी अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों को लिए सागर में अधिक दूरी पर प्रवेश कर जाती है। तो जो बारीक कण होते हैं उनको लेकर के नदी जो होती है सागर में अधिक दूरी तक प्रवेश कर जाती है, और सागरीय खारे जल के संपर्क में आने के कारण नदी के साथ लाए गए घोल के रूप में बारीक कण भारी होकर दोनों किनारों पर बैठने लगते हैं और कुछ समय बाद एक लंबे डेल्टा का निर्माण होता है। ये डेल्टा जो है इसके नाम से समझ में आ रहा है, पंजा डेल्टा यानी पक्षियों के पंजे के समान आकृति वाला ये डेल्टा होता है, या जो मनुष्य की हाथ की अंगुलियों के समान निकले रहते हैं, इसी से इस प्रकार के डेल्टा को अंगुल्याकार डेल्टा भी कहा जाता है। और इन्हें पंजाकार डेल्टा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आकार पक्षियों के पैरों के पंजों से मिलता है। पंजाकार डेल्टा का जो सबसे उत्तम उदाहरण है वो मिसिसिपी का डेल्टा है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं पंजाकार डेल्टा को दिखाया गया है। ये देख रहे हैं हम पक्षियों के पंजे के समान ये डेल्टा की आकृति है। यहाँ इस स्लाइड में भी आप देख रहे हैं पक्षियों के पंजे के समान डेल्टा की आकृति है। अगला डेल्टा है ज्वार नदमुखी डेल्टा। नदियों की एस्चुरी के भर जाने से निर्मित लंबे और संकरे डेल्टा को ज्वार नदमुखी डेल्टा कहा जाता है। नदी के उस मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है जो जलमग्न होता है, यानी ऐसा मुहाना जो जल में डूबा रहता है वो एस्चुरी कहलाता है, और जहां पर सागरीय तथा ज्वारीय लहरें नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बहा करके ले जाती है। तो जो ये एस्चुरी भी बनता है, और एस्चुरी ऐसा भाग होता है जो नदी के मुहाने का भाग होता है जो जलमग्न होता है, उस पे सागर के द्वारा और ज्वारीय तरंगों के द्वारा जो
नदी का निक्षेपित पदार्थ होता है उसको वो वहां से बहा करके ले जाती हैं। भारत में तापी तथा नर्मदा नदियां इस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है, यानी ज्वार नदमुखी डेल्टा का निर्माण तापी और नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। इसके अन्य उदाहरण में है मैकेंजी, ऑर्डर, विस्टुला, एल्ब, सेन, ओब और हडसन। ये सभी जो नदियां हैं इनके जो डेल्टा है वो ज्वार नदमुखी डेल्टा कहलाते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं ज्वार नदमुख डेल्टा को दिखाया गया है। ये नदी की एस्चुरी है, इसको हम एस्चुरियन डेल्टा भी कहते हैं। ये ज्वार नदी मुखी डेल्टा को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अगला डेल्टा है रुंडित डेल्टा। नदी द्वारा निर्मित डेल्टा के आकार आदि में सागरीय लहरें जो होती है वो परिवर्तन करती रहती है, और कभी कभी जो लहरें होती हैं वो डेल्टा को काट देती है और साथ में उसको बहा कर ले जाती है, तो एक कटे फटे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। इस डेल्टा को भग्नाकार या रुंडित डेल्टा कहते हैं, और उसके कटने का जो मुख्य कारण होता है वो लहरें होती हैं। यदि लहरों की गति अधिक होती है तो उस डेल्टा को काट देती है और अपने साथ में बहा करके ले जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं रुंडित डेल्टा को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं पाली युक्त डेल्टा, यानी पाली के रूप में या लॉब के रूप में जो डेल्टा होता है उसको पाली युक्त डेल्टा कहते हैं। जब एक नदी की कई शाखाएं अगल बगल में डेल्टा का निर्माण करती है तो मुख्य नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का जो विस्तार होता है वो रुक जाता है, और इसके विपरीत जो कई शाखाएं या लोब या पाली के आकार में डेल्टा का निर्माण हो जाता है इन्हें पाली युक्त डेल्टा कहते हैं, और मुख्य नदी की अवरुद्ध गति वाले डेल्टा को शीनाकार डेल्टा भी कहा जाता है। तो ये पाली युक्त होते हैं इसलिए इनको पाली युक्त डेल्टा या ऐसे कहते हैं, ये पाली के आकार में होते हैं इसलिए पाली युक्त डेल्टा इनको कहते हैं। और इनको इस स्लाइड पे ये देखिए पाली युक्त डेल्टा को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। द डेल्टा इज शेप्ड लाइक ए लॉब, लॉब के आकार में ये डेल्टा होता है, और गोदावरी जो नदी है उसका डेल्टा पाली युक्त डेल्टा होता है। अब हम बात कर रहे हैं वर्धमान डेल्टा या ग्रोविंग डेल्टा की। तो जब डेल्टा का सागर की ओर निरंतर विस्तार होता है, यानी लगातार यदि डेल्टा का विस्तार होता रहता है तो उसे प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। वर्तमान में जो अधिकांश नदियां हैं उनके जो डेल्टा है वो प्रगतिशील ही है, जैसे गंगा का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा, ये सभी जो डेल्टा है वो ग्रोविंग डेल्टा की श्रेणी में आते हैं। और ये ग्रोविंग डेल्टा को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं अवरोधित डेल्टा के बारे में, ब्लॉक्ड डेल्टा जिसको कहते हैं। जब डेल्टा का विस्तार रुक जाता है तो वो अवरोधित डेल्टा कहलाता है, और यह जो अवरोध होता है वो या तो सागरीय लहरें उपस्थित करती है या धाराओं द्वारा अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो डेल्टा होता है उसका विकास रुक जाता है और वो अवरोधित डेल्टा कहलाता है। और यहाँ राइट हैंड साइड में ये अवरोधित डेल्टा को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं ये ब्लॉक्ड डेल्टा बना है। इसके अलावा एक होता है परित्यक्त डेल्टा। ये सभी प्रकार के डेल्टा से अलग प्रकार का डेल्टा है। जब नदी अपने पहले डेल्टा को छोड़कर अन्य डेल्टा का निर्माण कर लेती है तो पहले वाले डेल्टा को परित्यक्त डेल्टा कहते हैं, यानी जिसका परित्याग नदी द्वारा कर दिया गया हो और नए डेल्टा का निर्माण कर लिया गया हो। येल्लो नदी इस तरह के कई डेल्टा का निर्माण कर चुकी है, और येल्लो ने अपने प्रारंभिक डेल्टा का निर्माण शांटुंग प्रायद्वीप के दक्षिण में किया था, परंतु इसका जो वर्तमान डेल्टा है वो शांटुंग डेल्टा के उत्तर में है, यानी पहले उसने दक्षिण में जो डेल्टा का निर्माण किया था उसको अब उसने छोड़ करके दूसरा डेल्टा बना लिया है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का पश्चिमी भाग जो हुगली नदी द्वारा प्रवाहित होता है एक परित्यक्त डेल्टा का ही उदाहरण है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं परित्यक्त डेल्टा को दिखलाया गया है फोटो के माध्यम से कि किस तरह से जो नदियां हैं इस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है, कि पहले वाले डेल्टा को छोड़ करके नए डेल्टा का निर्माण कर लेती है।
इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।